नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। दिल्ली के रहने वाले अंश ने देश में हेलमेट पहनो अभियान चलाया है। लोगों को हेलमेट की जरूरत बताने के लिए बाइक से भारत यात्रा पर निकले अंश ने अब तक देश में 75,000 किलोमीटर की यात्रा की है। अंश ने अपने अभियान के जरिए अब तक 2,00,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा है। शहडोल पहुंचे अंश ने लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक भी किया। शहडोल पहुंचे दिल्ली के कॉर्पोरेटर ट्रेनर अंश ने देश में हेलमेट को लेकर अनूठी मुहिम छेड़ी है। अंश ने लोगों को हेलमेट की जरूरत बताने के लिए बाइक से भारत की यात्रा शुरू की है। महात्मा गांधी की जयंती से शुरू हुई यात्रा में अंश ने अपनी राइड के जरिए अब तक देश भर के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 75,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 2,00,000 से भी ज्यादा लोगों को हेलमेट पहनने की मुहिम से जोड़ा है। अंश ने बताया कि उनका केवल एक ही उद्देश्य है, लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करना। उन्होंने कहा कि बाइक राइडिंग उनका शौक है, लेकिन अपने इस पैशन को एक अलग रूप देने के लिए उन्होंने ये अभियान चलाया है। अंश अब तक करीब 75,000 किलोमीटर की यात्रा बाइक से कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज देश भर में हजारों लोग हेलमेट न पहनने की वजह से एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए मेरा सभी को संदेश है कि जीवन बहुत अनमोल होता है, इसलिए बाइक पर हेलमेट जरूर पहने। लॉकडाउन में कहीं जगह फंसे लेकिन हौसला नहीं टूटा। अंश ने बताया कि हेलमेट पहनो अभियान के लिए वो अपनी दूसरी ट्रिप पर थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहां कई जिलों में लगातार फंसे रहे, लेकिन इस दौरान वे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन पहले बैतूल पहुंचे थे और बैतूल में ही फंस गए। उन्हें वहां एक लॉज में रुकना पड़ा। स्थानीय युवाओं और पत्रकारों ने उन्हें भोजन उपलब्ध कराया। अंश ने बताया कि वो दिल्ली की एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अपनी बाइक राइडिंग के शौक की वजह से उन्होंने जॉब छोड़ते हुए हेलमेट पहनो अभियान चलाया। अंश ने बताया कि सड़क दुर्घटना में लगातार हादसों का शिकार होते लोगों की मौत ने उन्हें विचलित कर दिया, इसलिए उन्होंने अभियान छेड़ा। अंश अब तक 500 से ज्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जाकर युवाओं को हेलमेट पहनने का संदेश दे चुके हैं। अंश ने बताया कि वह राइडिंग के दौरान अपने लिखने की शैली को भी बरकरार रखे हुए हैं। अब तक उन्होंने 10 से 12 किताबें भी लिखी, जिसके जरिए वो लोगों को जीवन जीने की शैली सीखने और जागरूक बनकर समाज में रहने की प्रेरणा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंश है, द मिस्टिक राइडर दिल्ली से, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2018 से वन इंडिया वन राइड मैंने शुरू किया। और इस राइड के तहत मकसद ये था कि देश की सारे राज्य, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान लक्षद्वीप मिला के हर जगह जाके लोगों को ये समझाऊं कि हेलमेट पहनने का जो नज़रिया है वो पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा घर वालों से मिलने के लिए। तो इस सफ़र के दौरान लगभग 2 चरणों में सफ़र मैं कर रहा हूँ। तो पहला चरण में मेरा पूरा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश 75,000 किलोमीटर चला। लगभग 2,00,000 लोगों को मैंने शपथ दिलाया हूँ कि हेलमेट हम पुलिस से बचने के लिए नहीं और घर वालों से मिलने के लिए पहनेंगे। अब जब उससे स्कूल कॉलेजेस में जाके मैं बच्चों को समझाता था ये, तो पेरेंट्स से मेरे पास फ़ोन भी आने लगा, तो उससे प्रेरणा मिला। तो ये सफ़र मैंने दोबारा चालू कर दिया बिना बंद करे। अब देश के सारे ज़िले में जा रहा हूँ और इस ज़िले के तहत अभी मध्य प्रदेश में आज इस शहडोल में पहुँचा हूँ। और मैं चाहूँगा जो भी दर्शक हैं वो भी मेरे साथ ये शपथ दोहराएं, हेलमेट हम पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं, घर वालों से मिलने के लिए पहनेंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है जो कम नसीब के सहारे चल पड़ते हैं, लक नहीं हेलमेट पहनो, जिंदगी की किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे रोड पर। आप क्या काम करते थे, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर, मैं गुड़गांव में, दिल्ली गुड़गांव में एक जॉब करता था फिनांस कंपनी में, और ट्रैवल मेरा मतलब पहले से ही शौक रहा है। तो मैं पहले माउंटेन्स, पहाड़, हिल्स एक्सेट्रा वगैरह बाइक में ट्रैवल करता था, और ट्रैवल के दौरान मैंने बहुत सारे हादसे देखे रोड पर। तो उसके बाद ये प्रेरणा मिली कि हेलमेट एक ऐसा चीज़ है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहता है लगभग 34,000 लोग डेली मरते हैं हेलमेट नहीं है बोल के, और हेलमेट पहनने से हम कम 75% जाने बचा सकते हैं उन हादसों से। कोरोना संक्रमण चल रहा था, रास्ते में कोई तकलीफें आई जब आप सफर कर रहे थे? सर, मैं मध्य प्रदेश में मार्च 12 तारीख को आ गया था, और उसके बाद कोरोना का काल शुरू हो गया जब मैं बैतूल पहुंचा था, और वहां पे कम से कम 90 दिन रहा मैं पूरा लॉकडाउन बैतूल में। फिर लॉकडाउन खुलने के बाद 9 तारीख को फिर से बैतूल से अपना सफ़र चालू किया हूँ। मेरा नाम अंश है, और ये देश का ऐसा पहला मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है जो पूरे देश में सारे राज्य, सारे केंद्र शासित प्रदेश कोई मोटरसाइकिल में घूम रहे।